सियासी पार्टियां ही नहीं, निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार में महिला वोटर्स की कम संख्या पर चिंता जताई है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका है। बिहार में डोर टू डोर सर्वे के बाद मतदाताओं को सूची से हटाया गया है जिनकी मौत हो चुकी है। करीब 2,03,100 मतदाताओं का एडिशन हुआ है और 3,07,718 मतदाताओं का डिलीशन हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटर लिस्ट में सुधार का काम जारी है। 2019 के लिए 10,000 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। 62,780 मतदान केंद्र की जगह 2019 में 72,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। स्पेशल समरी रिवीजन अभी हो रहा है, इसलिए इसको विशेष पुनरीक्षण अभियान बोला जाता है। कंटिन्यूअस अपडेशन में भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बीएलओ लोग घर घर पर चलें। वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और सुधार का काम युद्ध स्तर पर होगा। लोग 31 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने और सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। 30 नवंबर तक लोगों के दावे और आपत्तियों का निपटारा होगा। सुधार के बाद चुनाव आयोग 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन करेगा। किसी का नाम डिलीट कराना है या किसी का नाम में चेंजेस कराना है, ये सब दिसंबर में हम लोग कैरी आउट करके अंतिम रूप से 4 जनवरी 2019 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में पुरुषों की तुलना महिला वोटर्स की कम संख्या पर चिंता जताई है। 1 सितंबर 2018 तक बिहार में कुल 6,97,38,208 वोटर हैं, जिसमें 3,69,58,241 पुरुष और 3,27,77,668 महिला वोटर्स हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने वोटर लिस्ट में लिंग अनुपात को सुधारना बड़ी चुनौती है। पटना से नवजीत के साथ।